मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में स्वागत है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये व्यू, ये इंदिरा बाज़ार चारों तरफ घुमा के मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये सामने सिंह दरवाज़ा, सिंह द्वार जिसे बोलते हैं। और ये पूरा इंदिरा बाज़ार, ये पूरा इंदिरा बाज़ार का व्यू। और ये सामने मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो खजाने वालों का रास्ता, ये जो रास्ता अंदर जा रहा है, और ये यहाँ पर, ये पूरा इंदिरा बाज़ार। तो यहाँ से ये ब्लॉग शुरू करते हैं, यहाँ से पुराना सिटी जो है, ओल्ड जो टाउन है, ओल्ड जो सिटी है, वो यहाँ से शुरू होता है। तो अभी खजाने वाले के रास्ते से हम चलेंगे और अंदर आपको माल दिखाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये चलते ही सत श्री 108 माता लीलावती सत्संग भवन खजाने वालों का रास्ता पे। और ये इसके सामने का आगे का व्यू, आइए और आगे चलते हैं। और ये आप देखें तो तरह तरह की मूर्तियाँ आपको यहाँ पर जयपुर में मिल सकती है। ये खजाने वाले के रास्ते पे एक मूर्ति का दुकान, आगे हम देखें तो ये पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी पुरानी। आइए और आगे चलते हैं। ये आप देखें, ये कारीगर साहब भाई साहब लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हो गए। ये रेडी हो गई मूर्ति, रेडी, ये रेडी हो गई, इसके भी सफाई हो रही है। वो देखो बिल्कुल छोटी सी, क्या साइज़ होगा इसका? 15 इंच की होगी छोटी मूर्ति। और ये देखो बड़ी, और आप देखोगे पूरी अंदर दुकान पे। और ये सामने का भी प्रभात टावर है सामने, और ये गलियाँ पतली गली अंदर। और ये खजाने वालों का रास्ता, आइए और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो ज़्यादातर मूर्तियाँ ही आपको देखने को मिलती हैं। ये हैंडीक्राफ्ट सेंटर बना हुआ है, ये यहाँ का सामने का भी। इधर हम देखें तो इधर भी ये मूर्तियाँ, और ये पूरा आगे का भी। और आगे चलते हैं, आइए। और ये थोड़ा आगे चलने के बाद आगे का भी। वैसे तो यहाँ ये देखा गया है कि ज़्यादातर मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ बनाने वाले लोग और उनके शोरूम और दुकानें। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर मंदिर, ये मंदिर का गेट है अंदर। और ये इसके सामने का व्यू, पीपल देखिए कितना बड़ा पीपल यहाँ पर। और ये यहाँ का पूरा व्यू, आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ का व्यू, और ये खजाने वालों के रास्ते से हम लोग यहाँ चांदपोल रोड पे, चांदपोल बाज़ार पे आ गए हैं। ये पूरा यहाँ का व्यू है चांदपोल रोड। तो इधर चांदपोल है, और ये खजाने वालों का रास्ता जिससे हम आए हैं। और ये इधर छोटी चौपड़, और आगे बड़ी चौपड़ हवा महल की तरफ जा रहा है रास्ता। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।